हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। सीक्वेंस सीरीज की हम कर रहे थे थर्ड एक्सरसाइज 9.3। सिक्स क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे। क्वेश्चन सेवन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द जीपी 0.15, 0.015, 0.0015 अप टू सो ऑन 20 टर्म्स का सम निकालना है और ये आपको जीपी गिवन है। ठीक है, तो जीपी में आपके पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 0.15। आर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आर इज द कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। पॉइंट हटा लो पहले इसका, 0.3 टर्म्स के बाद है तो डिवाइड कर देंगे हम 1000 से और इसको 100 से, पॉइंट कैंसिल ये आ जाएगा। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल दिस, देन 1.10, 0.1 विच इज़ लेस देन 1। जो R की वैल्यू है 0.1 इज लेस देन 1, हमें निकालना है सम। सम का क्या फॉर्मूला होता है और कितनी टर्म्स का फाइंड आउट करना है, 20 टर्म्स का। दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 20। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स तो s 20 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला, Sn a into r raised to power n minus 1 upon r minus 1 and a into 1 minus r raised to power n upon 1 minus r। कब कब अप्लाई करते हैं ये हमारे पास जब आता है, जब n r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, और ये तब अप्लाई करते हैं जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है। तो हमारे पास कॉमन रेशियो लेस देन 1 है तो ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। s 20 फाइंड आउट कर रहे हैं तो a into 1 minus r raised to power n, n means यहाँ पे 20 डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ए की वैल्यू रखेंगे 0.15, 1 माइनस आर, आर इज 0.1 रेज टू पावर 20 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1, आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, देन 0.15, 1 माइनस 0.1 रेज टू पावर 20 एज इट इज डिवाइड बाय 0.9। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास, इतना भी छोड़ सकते हो या इसको कैंसिल आउट करो तो कैंसिल आउट कर सकते हो। ये इज सम ऑफ 20 टर्म्स। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन 8, फाइंड द सम ऑफ द जीपी, ये जीपी गिवन है, एन टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म इज अ रूट 7, कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दोनों टर्म अंडर रूट में है, 21/7 दिस इज कैंसिल रूट 3। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 अप टू सॉन। तो यहाँ पे जो रूट 3 है 1 पॉइंट समथिंग है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1। तो r हमारे पास ग्रेटर देन 1 है। एस एन निकालते हैं, फॉर्मूला a इंटू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, r रेज टू पावर n माइनस 1, क्योंकि r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है, r माइनस 1, a इज द रूट 7, r की वैल्यू रूट 3, रूट 3 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r, r इज अ रूट 3 एंड माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास s n। क्वेश्चन 9th इज फाइंड द सम ऑफ द जीपी, ये आपके पास जीपी गिवन है, अप टू एन टर्म्स फाइंड आउट करना है। सेम टू सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, ए इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, आर फाइंड आउट करेंगे सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, दिस इज माइनस ए, और ए की वैल्यू हमें नॉट इक्वल टू माइनस 1 दे रखी है। एस एन निकालेंगे, ए अब 1 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे 1 माइनस आर रेज टू पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, देन ए इज अ फर्स्ट टर्म 1, 1 माइनस आर की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू है माइनस ए, तो ये आ जाएगा 1, 1 माइनस माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइड बाय 1 प्लस ए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, देन दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स। नाउ दिस इज, ये भी जी पी गिवन है, एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ए इज अ फर्स्ट टर्म इज एक्स क्यूब, आर कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म
दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x हमारे पास प्लस माइनस इक्वल नहीं होना चाहिए, तो एस एन निकालते फर्स्ट a इंटू वन माइनस आर, या आर इज टू पावर कोई भी लगा सकते हो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ हम यही लगाते हैं, वन माइनस आर इज टू पावर एन अपॉन वन माइनस आर। यहाँ पे r की वैल्यू प्लस वन या एक, ये क्यों नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू जो है अभी बताते हैं, देखो a की वैल्यू पुट करेंगे x क्यूब वन माइनस आर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर n डिवाइड बाय वन माइनस आर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसने मेंशन कर रखा है कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन, अब यहाँ पे x की प्लेस पे अगर हम वन पुट कर देते तो वन माइनस वन इज जीरो, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट फॉर्म बन जाते हैं, तो इसलिए हम x की वैल्यू इसने पहले ही मेंशन कर दिया कि नॉट इक्वल टू वन होनी चाहिए। देन एक्स क्यूब वन माइनस एक्स पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है टू एन वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस जेपी। क्वेश्चन 11th इज इवेल्युएट समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू 11 2 प्लस 3 रेज टू पावर k। ये आपके पास समेशन गिवन है, इसको ओपन करेंगे, k की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 2 प्लस 3 रेज टू पावर 1 प्लस k की वैल्यू 2 पुट करिए 2 प्लस 3 रेज टू पावर 2 3 पुट करेंगे, k हमारे पास 1 से लेकर 11 तक पुट करना है, प्लस 3 रेज टू पावर 3 प्लस अप टू सॉन चलता रहेगा हमारे पास, लास्ट टर्म हमें 11 पुट करना है, ठीक है, तो 2 प्लस 3 रेज टू पावर 11 ये बन जाएगी आपके पास। इस सीरीज को हम ओपन करते हैं, ठीक है, नाउ फर्स्ट टर्म 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू सॉन कितनी टर्म है, टोटल 11 टर्म है, k इक्वल टू 1 से 11 तक है, अप टू 11 टर्म्स प्लस 3 रेज टू पावर 1 यहाँ लिख लेते हैं इसको, 3 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 2 प्लस नेक्स्ट टर्म में है 3 रेज टू पावर 3 प्लस अप टू सॉन लास्ट में क्या दे रखा है यहाँ पे 3 रेज टू पावर 11। यानी हमने इसको क्या किया, पूरी सीरीज को फर्स्ट टर्म को इकट्ठा ले लिया प्लस सेकंड टर्म को इकट्ठा ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू सॉन कितनी टाइम, 11 टाइम हम 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 11 एन इंटू ए होता है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, प्लस ये आपके पास क्या बन रही है जी पी, फर्स्ट टर्म 3 रेज टू पावर 1 सेकेंड 3 रेज टू पावर 2 जी पी, कैसे पता चला, सेकेंड टर्म को डिवाइड कीजिए फर्स्ट टर्म से, 3 रेज टू पावर 1 3 से पावर कैंसिल 3 आया, फिर थर्ड टर्म को डिवाइड कीजिए सेकेंड टर्म से, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे 1 3 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, तो जो आपके पास रेशो सेम आ रहा है, तो यहाँ से दिस इज द जी पी एंड फर्स्ट, यहाँ इन इसका हमें सम फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट टर्म इज 3 a इंटू वन माइनस आर, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 r इज 3 अभी हमने फाइंड आउट किया, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, r रेज टू पावर n यानी कि 3 रेज टू पावर कितनी टर्म है, n की वैल्यू क्या है 11, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे हमारे पास 11 है, तो 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, 11 इंटू 2 इज 22 प्लस 3 इंटू 3 रेज टू पावर 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो और इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल टू 22 प्लस 3 रेज टू पावर 2 11 माइनस 1, एलसीएम लेंगे यहाँ पे, या एलसीएम ना भी लो तो हम इसको सॉल्व करेंगे 3 रेज टू पावर 11 को, 3 रेज टू पावर 11 मीन्स 3 को आपको 11 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट करेंगे हम, 1 माइनस करेंगे, देन इसको सॉल्व कर लेंगे। सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जी पी इज 39 बाय 10 एंड द इट्स देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, तो हमें 3 टर्म यहाँ पे लेके चलनी पड़ेंगी, लेट ए बाय आर ए ए आर बी द 3 टर्म्स ऑफ जे पी, हमें सम दे रखा है 39 बाय
अगर तीनों का सम करते हैं तो आंसर आता है 39/10 फर्स्ट इक्वेशन, और अगर तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आता है 1 ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर इक्वल टू 1, आर से आर कैंसिल, ए क्यूब इक्वल टू 1, यानी ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, देन 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 13/10। एलसीएम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, आर इज एलसीएम 1 प्लस आर स्क्वायर, सॉरी 13 नहीं है, 39 है यहाँ पे 39/10 समझो 39 दे रखा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर इक्वल टू 39 आर। 10 आर स्क्वायर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आइए, माइनस का 29 आर बचेगा और प्लस 10 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आना चाहिए, 10 इंटू 10 और एडिशन करें 29, तो ये फैक्टर बन जाएंगे 25 और माइनस 4, एडिशन करेंगे माइनस 29, मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आ जाएगा 10 आर स्क्वायर माइनस 25 आर माइनस 4 आर प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड 10 कॉमन, नहीं सॉरी 5 कॉमन आएगा, 2 आर माइनस 5 माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, देन माइनस 2 कॉमन लिया ना तो ये आ जाएगा 2 आर माइनस 5 इक्वल टू 0, देन 2 आर माइनस 5 और 5 आर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, r की वैल्यू इससे तो आ जाएगी 5/2, ठीक है, और इसको 0 रखेंगे तो 2/5, ये आ जाएगा 2/5। r की वैल्यूज़ को हम रखेंगे नंबर्स में, a की वैल्यू मिल गई हमें, r की वैल्यू मिल गई, नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, कॉमन रेशियो पूछा था इसने तो कॉमन रेशियो हमारे पास 2 आ गए हैं, अब दोनों से आप बना सकते हो। अगर हम लेते हैं r इक्वल टू 5/2, देन नंबर क्या आएंगे, 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 रखेंगे ना यहाँ पे, 1 अपॉन आर यानी 1 अपॉन 5/2, सेकेंड इज ए की वैल्यू 1, थर्ड इज ए आर, ए 1 इंटू 5/2, तो ये आ जाएगा, अगर आर की वैल्यू है 5/2 तो नंबर्स आ जाएंगे आपके पास 2/5, 1, 5/2। ठीक है, और अगर आर की वैल्यू लेते हैं हम 2/5 तो नंबर्स क्या आते हैं, ए बाई आर दिस इज 1 अपॉन में करेंगे तो ये रिवर्स कर जाएगा 1 और 2/5, तो नंबर्स ये आ जाएंगे, तो दोनों ही केसेस में आपको जीपी निकाल के दिखानी है, यानी नंबर्स निकाल के दिखाना। 13 इज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये टर्म दे रखी है जीपी की, आर नीडेड टू गिव द सम 120। मैंने सबसे पूछ रखा है कि इस जीपी में कितनी टर्म्स का सम करें कि हमारे पास आंसर आ जाए 120, दैट मीन्स गिवन क्या है, एस एन इक्वल टू 120, यानी कि सम गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स का, अब यही बताना है आपको, निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितनी टर्म्स का सम करें कि आंसर 120 आ जाए, सम 120 आ जाए, तो एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, जीपी से निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा विच इज़ ग्रेटर देन 1, ए इंटू 1 से ग्रेटर है तो r एज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a की वैल्यू रखो सॉरी 3 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 इक्वल टू 120, 3 रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू ये 2 रहेगा, इधर लेके जाओगे इसको 120 से मल्टीप्लाई और 3 से हो जाएगा डिवाइड, तो 3 से दिस इज 80, तो 3 रेज टू पावर n इक्वल टू 80 प्लस 1 81 और 3 रेज टू पावर इक्वल टू इसको हम लिखेंगे 3 का बेस बनाएंगे तो 3 रेज टू पावर कितना होता है 81 4 3 9 तो यहाँ से आ जाएगा बेस सेम तो पावर इक्वल n इक्वल टू 4 यानी हम इसके चार टर्म्स का सम करेंगे तो सम हमारे आ जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जी पी इज 16,
फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम दे रखा है 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128. उससे नेक्स्ट यानी तीन से नेक्स्ट फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इन तीनों का सम दे रखा है 128. डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो और सम ऑफ द एन टर्म्स, ये आपको फाइंड आउट करना है. तो पहले स्टेटमेंट समझिए कि स्टार्टिंग की थ्री टर्म्स यानी कि दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ. कह रहा है कि पहले तीन टर्म्स का अगर सम करते हैं तो आंसर आता है 16 यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 ये दे रखा है 16. फिर कहता है कि नेक्स्ट थ्री टर्म का सम करेंगे तो आता है 128 a3 a4 और a5. इससे नेक्स्ट जो टर्म है इनका सम करते हैं तो 128 आता है. ओके अब देखिए एस एन का क्या मतलब होता है. एस एन का मतलब होता है फर्स्ट एन टर्म्स का सम, मीन्स a1 प्लस a2 प्लस अप टू सॉन an. a1 से स्टार्ट करके n तक सारी टर्म्स का सम होता है एस एन. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ s3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ gp. तो यहाँ पे s3 का मतलब हुआ कि a1 प्लस a2 प्लस a3 और ये हमें कितना गिवन है 16. मीन्स यहाँ से हमें गिवन है कि s3 16 गिवन है. समझ गए फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम s3 16 क्यों. और कहता कि एस उसके बाद की जो टर्म है a का सम है 128. अगर मैं 1 से लेकर 6 तक का सम करती हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 यानी कि स्टार्टिंग की 6 टर्म्स का सम, इसको हम क्या लिख सकते हैं s6. s6 का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग की 6 टर्म्स का सम. ऐसा नहीं है कि a2 से स्टार्ट कर दोगे a7 तक आप सम ले लोगे. s6 का मतलब होता है फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स. तो s6 हो गया हमारे पास. ये हमें इसकी प्लेस पे पुट करना है. तो अभी मैं क्या करती हूँ यहाँ पे a1 a2 और a3 एक इसके सम को पुट कर देते हैं s3 क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम हमारे पास s3 है. तो s6 ये वैल्यू होती है x6 इज इक्वल टू फर्स्ट थ्री टर्म्स की प्लेस पे मैंने s3 लिख दिया सम ऑफ 3 प्लस a4 प्लस a5 प्लस a6. दैट मीन्स s6 माइनस s3 s3 को इधर ले आते हैं माइनस का हो जाएगा a4 प्लस a5 प्लस a6. ये किसकी वैल्यू आ रही है ध्यान से देखना है. कहते हैं नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128. सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म 128 है. इसका मतलब a4 प्लस a5 प्लस a6 ये आ गया s6 माइनस s3 और ये कितना दे रखा है 128. ये इक्वेशन अच्छे से क्लियर करनी है. ठीक है तो हमें गिवन है s3 16 गिवन है और s6 6 में से मैंने तीन टर्म्स माइनस कर दी तो नेक्स्ट थ्री टर्म आ जाएंगी वो हमारे पास 128 गिवन है. हमें दो इक्वेशन गिवन है s3 इक्वल टू 16 एंड s6 माइनस s3 इक्वल टू 128. लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड r बी द कॉमन रेशियो ऑफ gp. ठीक है तो s3 की वैल्यू निकालते हैं. s3 इक्वल टू 16 है देन a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर n होता है n की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है 1 माइनस r इक्वल टू 16. ठीक है यहाँ से आ जाएगा दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन ये है. तो यहाँ से s6 की वैल्यू रखेंगे तो s6 क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 1 माइनस r. यहाँ पे n की वैल्यू 6 गिवन है प्लस माइनस s3 की वैल्यू. s3 हमें 16 गिवन है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू 128. 16 को इधर ले जाइए प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 144. तो ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन यानी इसके प्लेस पे हटा दूं 144 दिस इज इक्वेशन सेकंड. ठीक है अब हमें यहाँ से किसी एक की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 2 डिवाइड 2 बाय 1.
मीन्स हम इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं यही लिख रही हूँ, डिवाइड करेंगे यहाँ पे इस नंबर से a इंटू वन माइनस आर क्यूब डिवाइड वन माइनस आर, और ये इधर लिख देते हैं 144 डिवाइड बाई 16। अब इसको हम रिवर्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू वन माइनस आर रेज टू पावर 6 वन माइनस आर इंटू वन माइनस आर डिवाइड बाई a इंटू वन माइनस आर क्यूब इक्वल टू, इसको कैंसिल कर लो 9 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास a से a कैंसिल, 1 माइनस आर से 1 माइनस आर कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आर रेज टू पावर 6 डिवाइड बाय 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 9/1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी लगाते हैं, 1 माइनस आर 6 को लिख दिया मैंने आर क्यूब का स्क्वायर, 3 इंटू 2 इज 6, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको ओपन करते हैं तो 1 माइनस आर क्यूब और 1 प्लस आर क्यूब ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर क्यूब डिवाइड बाय 1 माइनस आर क्यूब और इक्वल टू 9/1, कैंसिल आउट, 1 प्लस आर क्यूब इक्वल टू 9, आर क्यूब इक्वल टू 9 में से एक माइनस करेंगे 8, और 8 को मैंने लिख दिया 2 रेज टू पावर 3, पावर सेम तो बेस इक्वल, यानी आर की वैल्यू आ गई 2, कॉमन रेशो मिल गया। फर्स्ट टर्म चाहिए हमें तो एस क्यूब, यानी इसमें फर्स्ट में पुट कर दो आर की वैल्यू 2, ठीक है। आर जब पुट इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो a इंटू वन माइनस 2 रेज टू पावर 3, यहाँ पे रखेंगे 2 डिवाइड बाय 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 2 इक्वल टू 16 दे रखा है, इसको सॉल्व कर लेंगे a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से a इंटू वन माइनस 8 यानी कि माइनस 7 और माइनस 1 इक्वल टू 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन a की वैल्यू a इज 16/7, ये आ जाएगी a की वैल्यू। फिर चाहिए हमें सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स मीन्स आपको चाहिए sn, यहाँ कर लेते हैं sn इक्वल टू a की वैल्यू मिल गई a इज 16/7, r मिल गया r इज 2, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए इसको, a इंटू r हमारे पास कैसे ग्रेटर देन 1 है तो फॉर्मूला आर रेज टू पावर n वाला अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू 16/7 आर रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। क्वेश्चन 15th इज गिवन अ GP विद a इक्वल टू 7 to 9, 7th टर्म इज 64, फाइंड s7। इजी सा क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको, सेवन्थ टर्म यानी कि a 7 दे रखी है 64 और a की वैल्यू है 7 to 9, तो यहाँ पे हम a 7 निकालते हैं, a रेज टू पावर 7 माइनस 1 इक्वल टू 64, a की वैल्यू 7 to 9, r रेज टू पावर 6 इक्वल टू 64 एंड r रेज टू पावर 6 इक्वल टू 64/7 to 9, इसको हम बनाते हैं 6 पावर में लेके आएंगे तो 2/3 रेज टू पावर 6, r रेज टू पावर 6 इक्वल टू 2/3 रेज टू पावर 6, पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएगा, आर की वैल्यू आ गई 2/3 विच इज़ लेस देन 1, ठीक है। हमें चाहिए s7 इज a इंटू आर हमारा 1 से लेस है 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, वैल्यूज पुट कीजिए और s7 चाहिए हमें तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। देन a की वैल्यू 7 to 9, 1 माइनस आर की वैल्यू 2/3 रेज टू पावर 7, 2/3 है ना, आर की वैल्यू कहाँ थी ये रही, एंड डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, इसको सॉल्व करेंगे 7 to 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 की पावर 7 अलग लिख लेते हैं और 3 रेज टू पावर 7, और इसका हम एलसीएम लेते हैं 3 माइनस 2 इज 1/3 और ये हो जाएगा 1/3 3 इंटू 1,
ठीक है, 1 - 2/3 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, और इसको हम रिवर्स कर देंगे दिस आ जाएगा, ठीक है। तो 7 × 3 = 729 कितना होता है, 3⁻⁶। 729 को हम ले सकते हैं 3⁻⁶, और ये आ जाएगा यहाँ से 1 - 2⁻⁷, 3⁻⁷, 1 power, 6 power, 7 हो गया। एलसीएम ले लीजिए यहाँ से 3⁻⁷ - 2⁻⁷ डिवाइड बाय 3⁻⁷ कैंसिल, 3⁻⁷ - 2⁻⁷ वैल्यूज निकालिए और माइनस कर देना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 इज फाइंड जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। पहले दो टर्म्स का सम -4 है एंड फिफ्थ टर्म इज द फोर्थ टाइम ऑफ द थर्ड टर्म। पहले आपको जीपी लेके चलना पड़ेगा, लेट जीपी बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू सो ऑन। ये हमने जीपी ले लिए वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। अब हमें जो कंडीशन गिवन है वो उठा लीजिए, कहता है कि पहली दो टर्म्स का सम -4 है, तो पहली दो टर्म्स की कौन सी हैं, ए प्लस ए आर, ये हमें -4 गिवन है। एंड पांचवी टर्म तीसरी टर्म की 4 times है, यानी ए 5 = 4 × a 3। ए 5 यहाँ से a × 1 + r = -4 एंड ए 5 का फॉर्मूला लगाते हैं a r raised to power 4 = 4 × a r square। देन a से a कैंसिल, r square से 2 power कैंसिल हो जाएंगी, तो r² = 4, r = ±2 आ जाएगा, ठीक है। तो r की वैल्यू हम यहाँ पे लेके चलेंगे, पहले r = 2 लेते हैं, पुट इन फॉर इसमें पुट कर लेते हैं, a × 1 + 2 = −4, तो a × 3 = −4, a की वैल्यू आ जाएगी -4/3। और अगर r की वैल्यू -2 लेते हैं तो यहाँ पे -2 रखेंगे, तो a × 1 - 2 = −4, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, a = 4। यहाँ से आप दो जीपी बना सकते हो, a की वैल्यू अगर हम -4/3 लेते हैं, ये कब आई है, जब r = 2 होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करते जाइए, a इज अ -4/3। सेकेंड टर्म है a into r -4/3 × r = 2, तो यहाँ ये आ जाएगा -8/3। a r square करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो -4/3 × 4, दिस इज -16/3। तो इस तरह से आप जीपी निकाल सकते हैं, और अगर a की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू रखेंगे -2। ऐसे आप a और r की वैल्यू पुट करते जाइए, आपके पास सेकेंड जीपी आ जाएगी, 4 a into r इज अ -8, a r square 4 हो जाएगा 16 up to 100। तो ये दो जीपी आ जाएंगे आपके पास। क्वेश्चन 17 इज इफ़ द 4th, 10th and 16th टर्म्स ऑफ ए जीपी आर एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, यानी आपको 4 टर्म दे रखा है x, a4 इज x, a10 इज y एंड a16 इज z। हमें प्रूव करना है कि x, y, z हमारे जीपी में होने चाहिए। अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मूला, a4 एंड दस टर्म का a × r raised to power 3 = x, a r raised to power, हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, नोट कर लेना यहाँ पे, a इज अ फर्स्ट टर्म एंड r इज अ कॉमन रेशियो, raised to power 9 = y एंड a r raised to power 15 = z। हमें प्रूव करना है कि x, y, z जीपी में होने चाहिए। नाउ x, y, z आर इन जीपी इफ, कब होंगे जीपी में, इफ y/x = z/y आ जाएगा, y/x और z/y इनका कॉमन रेशो अगर देखेंगे, रेशो सेम आ जाएगा। नाउ y की वैल्यू रखिए, यहाँ से y की वैल्यू है a into r raised to power 9 डिवाइड बाय x है a into r raised to power 3 इक्वल टू z की वैल्यू a into r raised to power 15 a into r raised to power 9 हो जाएगा, ठीक है। a से a कैंसिल,
आर एज टू पावर क्यूब से इसको कैंसिल करेंगे, 6 पावर बच जाएगी, यहाँ से इसको कैंसिल करो 6, देन आर इक्वल टू आर की पावर 6 इक्वल टू आर की पावर 6 विच इज़ ट्रू, दोनों सेम आ रही हैं विच इज़ ट्रू, दैट मीन्स एक्स वाई जेड आर इन जेपी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन 17 तक, इसका एक लेक्चर और बनेगा 9.3 एक्सरसाइज का, देन आप इनको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।